करनाल पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री चौधरी संपत सिंह ने आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम में जमीन की खरीद के मामले में एफआईआर दर्ज पर कहा कि सरकार बदले की भावना से यह केस दर्ज करवा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जिले करनाल में की गई घोषणा में कुछ भी घोषणा पर अभी तक कार्य नहीं हुआ, सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी यहाँ से आपके करनाल से विधायक हैं और करनाल उनका गृह जिला है। मुझे नहीं मालूम कि चुनाव से पहले उन्होंने कितने वायदे किए, लिखित वायदों को पता है, जबानी वायदों को नहीं मालूम, जब कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा होगा। एज ऑन 13 जुलाई 2018 जो स्टेटस है अनाउंसमेंट्स का वो मिला है मुझे। टोटल अनाउंसमेंट जो आपके करनाल के लिए की गई है, जिले के लिए टोटल अनाउंसमेंट थी 420 अनाउंसमेंट। इनका सबका अनुमानित लागत खर्च 2224 करोड़ रुपए है और पिछले 4 वर्षों में अब तक इसमें से खर्च हुए 327 करोड़, यानी 14.72% राशि अब तक खर्च हुई। मुख्यमंत्री घोषणाएं अपनी को अव्यवहारिक घोषित करते हैं, इसका मतलब है कि आप अंधाधुंध पब्लिक को राजी करने के लिए, पॉपुलरिटी गेन करने के लिए, तालियां बजाने के लिए केवल मात्र जो है आप जो है वो घोषणाएं करते हैं और बाद में उनको अव्यवहारिक घोषित कर देते हैं। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।